हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल हायरिंग अपडेट्स, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद एलएनटी। सो एलएनटी की तरफ से यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में भी इन्फॉर्म कर दिया था और अभी मैं बता चुका हूँ कि टेस्ट इज डन। अभी यहाँ पर 2 दिन के टेस्ट कंप्लीट हुए हैं, 21st के एंड 22nd के, ठीक है। और मैंने आपको एक मेल शो किया था, उस मेल में एलएनटी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली ये रिस्पॉन्ड किया गया था कि दैट देयर विल बी मल्टीपल फेजेस इन एलएनटी। ओके, सो अगर आपने एलएनटी में अप्लाई किया था एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द मेल, ऑफिशियल कंपनी की तरफ से कंफर्म किया गया है दैट देयर विल बी मल्टीपल फेजेस। ओके, सो यू कैन वेट फॉर इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज। सो अगर आपका 21st एंड 22nd को आपका असेसमेंट हुआ, आपने कोडिंग राउंड दे दिया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, क्योंकि देखो किसी भी वक्त यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो सकते हैं। जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 1 to 2 weeks में आपको यहाँ पर जो इंटरव्यूज हैं एलएनटी के वो देखने को मिल जाएंगे। सो ज्यादा वेट मत करना, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, जिससे आप डेफिनेटली यहाँ पर इंटरव्यूज को दे पाओगे। ओके, देन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर विप्रो एलाइट के बारे में। सो विप्रो एलाइट की जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है दैट इज स्टूडेंट्स गेटिंग रीशेड्यूल मेल। अगर आप मेरे आज ग्रुप में हो तो आपको ये बात पता होगी कि विप्रो एलाइट की तरफ से सम स्टूडेंट गॉट द रीशेड्यूल मेल टुडे, जिनका एक्चुअली जो इंटरव्यू था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था बिकॉज इंटरव्यूअर जो था इंटरव्यूअर लॉबी में आया नहीं था। ओके, सो अगर आपने भी यहाँ पर टिकट रेस किया था बिकॉज इंटरव्यूअर नहीं आया था लॉबी में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद अब रीशेड्यूलिंग आ जाए बिकॉज टुडे सम स्टूडेंट्स गॉट द रीशेड्यूल मेल फ्रॉम विप्रो। ऑल्सो विप्रो इज सेंडिंग मेल्स फॉर इंटरव्यूज। देखो विप्रो की तरफ से जो विप्रो अलाइट है, एक आप ये कह सकते हो बहुत बड़ी हायरिंग थी बिकॉज मल्टीपल बच्चे एलिजिबल थे, काफी सारे बच्चों के कॉलेजेस एलिजिबल थे। सो अभी हुआ क्या है कि विप्रो बिल्कुल धीरे धीरे करके अभी भी बच्चों को इंटरव्यूज भेज रही है, इवन डेली यहाँ पर इंटरव्यूज चल रहे हैं थोड़े थोड़े बच्चों के। बट हाँ, ये बात मैं कहूंगा कि विप्रो ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू करा रहे हैं, डेली 50-100 ऐसे कर करके धीरे धीरे यहाँ पर इंटरव्यूज को कंडक्ट करा रही है। ऑल्सो वेरी फ्यू गॉट एलओआई फ्रॉम विप्रो। सो देखो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जिन बच्चों को एलओआई आ गया है फॉर विप्रो अलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो कॉलेज है उनकी विप्रो से एक अच्छी खासी टाई अप है। ओके, दूसरी बात, और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लाइक लोकेशंस एंड ऑल दैट आई डोंट नो, बट यहाँ पर जिन थोड़े बहुत बच्चों से मैंने कंफर्म किया उनका जो कॉलेज था उनका टोटल वहाँ पर इंटरफेयर होता है विद द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। सो आई होप उनको यहाँ पर एलओआई मिलाओ, बट यस फ्यू स्टूडेंट्स गॉट द एलओआई फ्रॉम विप्रो एलाइट। अगर किसी और को भी विप्रो की तरफ से एलाइट की तरफ से यहाँ पर आया है एलओआई, सो प्लीज इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हो इसके बारे में। एंड करेंटली जो स्टेटस चल रहा है वो ये है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, देन बात करते हैं कैप जेमिनी। सो मेनी कैंडिडेट्स कंप्लीटेड द प्रोसेस, सम स्टूडेंट्स गॉट द एलओआई। सो यहाँ पर कैप जेमिनी की जो प्रोसेस है वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर दिया, दिस फर्स्ट फॉर द वुमन हायरिंग। ओके, नाउ सम स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट द एलओआई एंड कैप जेमिनी में ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे विप्रो में तो कम है, बट कैप जेमिनी में फ्यू गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट द एलओआई फ्रॉम कैपजेमिनी। अभी एलओआई के बाद की क्या प्रोसेस होगी दैट दे विल इन्फॉर्म यू, बट डेफिनेटली एलओआई के बाद देयर विल बी ऑफर लेटर, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑल्सो आपकी जो प्री ऑनबोर्डिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। सो प्री ऑनबोर्डिंग इज बेसिकली योर बीजीवी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करना, वो सब होता है आपका, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, तो वो सब आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, देन बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट के बारे में। सो सीआईएस के इंटरव्यूज आउट हैं, बट स्टिल अभी सम स्टूडेंट्स गॉट द इंटरव्यू शेड्यूल मेल, बट काफी बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं कि हमें अभी तक मेल नहीं आया इंटरव्यू शेड्यूल का। सो देखो इट कैन टेक अप टू 20 days या फिर अप टू 1 month भी, ठीक है, बिकॉज जैसा मैंने बताया सीआईएस भी एक बड़ी हायरिंग है और यहाँ पर भी धीरे धीरे यहाँ पर चीजें होंगी, ठीक है, डेफिनेटली, और इनकी जो स्पीड है वो लिटिल स्लो है। सो मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इफ यू गॉट द मेल के दैट यू विल बी गेटिंग योर इंटरव्यू सून, सो दैट यू आर क्रैक द ऑनलाइन असेसमेंट, देन डेफिनेटली आपके जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल हो जाएंगे। एंड काफी बच्चे जो पूछ रहे थे कि मल्टीपल फेजेस हैं क्या कॉग्निजेंट के, सो देखो अभी मैं इस चीज में डाउट में चला गया हूँ बिकॉज देखो अभी काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और इतना ज्यादा टाइम बीत जाने के बावजूद यहाँ पर अभी तक कोई सेकेंड फेज नहीं दिखा है। सो इट इज इन डाउट, नो एप्टीट्यूड मेल, सो ये भी डाउट में है, क्योंकि अभी अगर आपने कम्युनिकेशन का असेसमेंट दे दिया, कम्युनिकेशन का असेसमेंट देने के बाद अगर आपको एप्टीट्यूड मेल नहीं आया है, ये भी अभी डाउट में है, नॉट कन्फर्म्ड कि आगे और फेजेस इसके होंगे या नहीं होंगे। देन बात कर लेते हैं एक्सेंचर के बारे में। रीसेंट 2 phases आर ऑन गोइंग। देखो अभी 2 phases चल रहे हैं, एक के जस्ट अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं और कुछ बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया है और एक है जिनने असेसमेंट दे दिया है।
एंड दे आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट. ओके, सो अभी ये प्रोसेस आपकी चली चलेगी डेफिनेटली, ठीक है. आपको पता ही है एक्सेंचर की प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो, सो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा. एंड मैनी स्टूडेंट गॉट द रिजल्ट, मैनी रिजल्ट आर पेंडिंग, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत ही कम बच्चे जिनको रिजल्ट आ गया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट आ चुका है, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी हो चुका है एंड दे आर वेटिंग फॉर दे आर ज्वाइनिंग, ठीक है. दे ऑल्सो गॉट दे आर ज्वाइनिंग सर्वे इन द अगस्त मंथ प्रॉबेबली, बट उसके बाद से दे डिड नॉट गॉट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. बट देखो एक्सेंचर का ऐसा सीन है जैसा मैंने बताया, हर महीने एक से दो फेजेस हो सकते हैं ऑन बोर्डिंग के एंड दैट विल बी शॉर्ट फेजेस, ठीक है. तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन रैंडम है सब कुछ कि किस बच्चे को कब यहाँ पर ज्वाइनिंग आएगी. सम स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट द ज्वाइनिंग इन द अगस्त इट सेल्फ, बट मैनी स्टूडेंट्स आर पेंडिंग, ठीक है, फॉर द ज्वाइनिंग एंड ऑल्सो मैनी रिजल्ट आर पेंडिंग. ओके, सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है. अंटिल यू गेट द रिजेक्शन मेल, इवन आफ्टर गेटिंग द रिजेक्शन मेल, एक्सेंचर यहाँ पर दोबारा से कुछ स्टूडेंट्स को भेज रही है कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. ओके, देन बात करते हैं IBM की. सो SD हायरिंग कंप्लीटेड. फर्स्ट आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दिस, बिकॉज जो SD की हायरिंग है, काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि उसका हमने एग्जाम दिया था, उसका हुआ क्या. तो देखो अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली नहीं फॉलो करते तो आपको नहीं पता होगा, बट जब मैंने बताया था, मैंने आपको बोला था कि 26 को रिजल्ट आ जाएगा और 26 को जब रिजल्ट आया था हमारे कुछ बच्चों को जो सिलेक्शन आया था टेलीग्राम ग्रुप से, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था. तो मैंने 26 सितंबर को ही पोस्ट कर दिया था. और अगर अभी तक कोई बच्चे वेट कर रहे हैं जिसके तरफ से इंटरव्यूज आएंगे, तो इसके इंटरव्यूज भी डन हो चुके हैं एंड इसके सिलेक्शन भी कन्फर्म हो चुके हैं. सो जो SD की हायरिंग थी उसके इंटरव्यूज वगैरह सब डन हो चुके हैं ऑलरेडी. मैंने इसकी वीडियो डाली थी 26 सितंबर को, चेक कर लेना जाके. सो इसके लिए आप वेट मत करो. देन आगे बात करते हैं TCS की. NQT डन, इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द कॉलेज. इफ यू हैव डन योर TCS NQT एंड यू आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यूज, टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज के आपका इंटरव्यू यहाँ पर कब आएगा. अभी जो अगर इंटरव्यू किसी का आ गया है, यू कैन इन्फॉर्म मी इन द कमेंट सेक्शन. बट अभी जो TCS के इंटरव्यूज हैं, इट कैन ऑल्सो टेक टाइम एंड जो इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर 1 से 2 मंथ्स तक चलते ही हैं TCS NQT के. सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या लोकेशन है, कैसा कॉलेज है, कब आपकी TCS इंटरव्यूज कराएगी, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट्स. टॉकिंग अबाउट Cognizant Gen-C, सो Cognizant Gen-C के इंटरव्यूज यहां पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. Cognizant के Gen-C के 3 पार्ट थे, प्रो, नेक्स्ट एंड Gen-C. और पहले सबसे पहले हमें नेक्स्ट के इंटरव्यूज देखने को मिले थे, बट नाउ प्रो और Gen-C दोनों के इंटरव्यूज के जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें यहां पर देखने को मिल गए हैं. काफी सारे कॉलेजेस में यहां पर Cognizant Gen-C आ रखी थी, आपको पता ही होगा ये बात. और तीनों प्रोफाइल्स के लिए यहां पर इंटरव्यूज आर स्टार्टेड. टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज फॉर 2025 बैच यू विल बी गेटिंग योर इंटरव्यूज. ओके, सो आई होप दिस कंप्लीट्स द हायरिंग अपडेट्स फॉर ऑल कंपनीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.